उत्पत्ति अध्याय 31, उत्पत्ति अध्याय 31। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ते वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्ते वाले और धब्बे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है सो कर। तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पदनराम से इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास ले जाने की मनसा से साथ ले गया। लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। सो याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भाग जाता हूं। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, सो उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी में खड़ा किया पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए? तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजाते और गीत गवाते विदा करता।
तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह। याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। भला, अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूं। सो उसने उसके ढूंढ़ान करने पर भी गृह देवता उसको न मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, सो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहां अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इस 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेंढों का मांस मैंने कभी खाया। जिससे बनेल जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उनकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तुम्हें घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूचे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे दबटा। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है और ये पुत्र भी मेरी ही है और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सो सब मेरा ही है, और अब मैं अपनी इन बेटियों व इनके संतानों से क्या कर सकता हूं? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादु था, पर याकूब ने जिलियाद रखा। लाबान ने कहा कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी होगा, इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया। और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख जिसको मैंने
अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मंशा से न तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंभे को लांग कर मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया, सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। बिहान को लाबान तड़के उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया।